हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपका साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस में लेसन 6, नो अबाउट एनिमल्स। ये पूरा हम लेसन रीड कर चुके हैं। ये देख रहे हैं, आपको हमने पहले करवा दिया है रीडिंग, और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 26 सितंबर को। तो हर डे आपको डेट के साथ हम वर्क भेजते हैं, तो आपने भी डेट डालकर वर्क करना है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं। वी यूज द डैश ऑफ सम एनिमल्स टू मेक लेदर। यानी कि हम क्या बनाते हैं, क्या यूज करते हैं एनिमल्स का लेदर बनाने के लिए, स्किन। वी यूज द स्किन, तो यहां हम फिल करेंगे स्किन ऑफ सम एनिमल्स टू मेक लेदर। लेदर बनाने के लिए हम कुछ जानवरों की स्किन यूज करते हैं। ये आपने लेसन में भी पढ़ा था। डैश इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब यहां से देखिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है, हनी। ना तो फेदर आएगा, ना स्किन, ना हेन, क्या आएगा, हनी। तो हनी लिखेंगे यहाँ, हनी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हमारी सेहत के लिए हनी बहुत अच्छा है। डैश ऑफ बर्ड्स आर यूज फॉर मेकिंग पिलोज एंड क्विल्ट्स। हम पिलोज और क्विल्ट्स बनाने में क्या यूज करते हैं, फेदर्स। बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, तो वो लिखेंगे फेदर। फेदर ऑफ बर्ड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पिलोज एंड क्विल्ट्स। आपको भी इस तरह से सेंटेंस रीड करना है, यानी कि फिल कर दिए और काम खत्म, पूरा सेंटेंस रीड करते रहेंगे, ठीक है। डैश गिव्स अस एग एंड मीट। ये तो बहुत इजी है। और लास्ट जो बच गया वही भरना है हमने, और वैसे ही पता है आपको, हेन ये लिखा है। हेन गिव्स अस एग एंड मीट। ये आपके फिलअप्स हो गए। तो आप इसे 2 3 4 बार सेंटेंस को रीड करेंगे, जिससे आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, जब आपके पास बुक्स होती हैं तो आप तीनों ऑप्शन दिए होते हैं, तो उस पर आप टिक कर लेते हैं। अब मेरे पास तो बुक है, आप जब नोटबुक में लिखेंगे तब केवल एक ही ऑप्शन जो सही होगा वो लिखेंगे आंसर। वी कीप दिस एनिमल एज पेट एनिमल। पेट एनिमल कौन सा है, लॉयन, आउल या डॉग। तो डॉग है, तो डॉग पे हम टिक कर देंगे। बुक्स में तो आप टिक करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर क्या लिखेंगे, डॉग, सिंगल वर्ड में आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर 2, वी यूज दिस एनिमल टू प्लो द फील्ड। खेत जोतने के लिए कौन सा एनिमल यूज करते हैं, एलिफेंट, डोंकी, ऑक्सन। प्लूरल में दिया है, तो यहाँ हम ना तो एलिफेंट करता है प्लो फील्ड, ना डोंकी, ऑक्सन। ऑक्सन पे लगाएंगे टिक। वी गेट हनी फ्रॉम। हनी किससे मिलती है हमें, सिल्क वर्म से, बटरफ्लाई से या हनी बी से। कितना इजी है, हनी बी सब बच्चों को पता है, क्योंकि लेसन आप पढ़ चुके हैं तब भी आपको पता होता है। विच एनिमल गिव्स अस वूल। कौन सा जानवर हमें वूल देता है, कैमल, गोट या शीप। ये भी आंसर आपको पता है, शीप। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। कौन से जानवर को बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है, भारी बोझा ढोने वाले जानवर, डोंकी है, हेन है या बफेलो। डोंकी, डोंकी बोझा ढोता है ना, बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है इनको। तो हमने इन पे करेक्ट सेंटेंस पे वर्ड्स पे राइट कर दिया है, तो आप क्वेश्चन लिखकर सिंगल वर्ड लिखेंगे आंसर में। अब क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आर डोमेस्टिक एनिमल्स।
क्वेश्चन ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, तो चाहे लेंथी भी हैं थोड़े, आप रीड भी करेंगे और बहुत अच्छी राइटिंग में वर्क भी करेंगे। दोज एनिमल्स विच आर कीप एट आवर हाउस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, एग्जाम्पल काओ, डॉग, बुफेलो एक्सेट्रा। तो ये आंसर आपने बिल्कुल सही लिखना है, और अलग से भी लिख कर दे देंगे, आपको हैंड राइटिंग क्या पता समझ में ना आए तो प्रिंटिंग में भी भेज देंगे। वट इज लेदर यूज्ड फॉर, लेदर किस में यूज किया जाता है? लेदर इज यूज्ड टू मेक बैग्स, बेल्ट, शूज एक्सेट्रा। क्या क्या बनते हैं इससे? बैग्स बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं, शूज बनते हैं। हु आर बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन कौन है? एनिमल्स विच कैरी आवर लोड्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, जो जानवर भारी बोझा लेकर जाते हैं उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। वाई अर्थ वर्म्स कॉल द फार्मर्स फ्रेंड, अर्थ वर्म्स जो होते हैं उनको फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मेक द सॉइल फर्टाइल, क्योंकि वे सॉइल को फर्टाइल करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तीनों क्वेश्चन करने हैं, ए बी सी, फिलिप्स वाले भी, राइट ऑप्शन वाले भी, और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, एक सब्जेक्ट का वर्क मिलता है आप बच्चों को, तो बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, बाय।